है सो अभी हम लोग इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं जो भी लेटेस्ट इंडियन गवर्नमेंट का स्टेप जो है उसमें अराउंड 59 चाइनीज ऐप को जो बैन किया गया है, तो उसमें से एक था टिकटॉक। और टिकटॉक में अभी प्ले स्टोर में टिकटॉक का क्या स्टेटस है वो हम लोग देखेंगे, वेदर इट इज़ शोइंग देयर, वहाँ पे दिख रहा है वो, नहीं दिख रहा है वो हम लोग देखेंगे। एज वेल एज़ टिकटॉक के खुद के ऐप पे जाके भी हम लोग देखेंगे कि वहाँ पे हर एक स्क्रीन में क्या क्या वहाँ पे एरर दिखाई दे रहा है। सो लेट अस गो एंड चेक आउट। ओके, तो ये देखिए हम लोग अभी प्ले स्टोर में गया। प्ले स्टोर में मैंने टिकटॉक का अभी मैं टाइप कर रहा हूँ टिकटॉक ऐप के लिए, तो ये देखिए टिकटॉक का नामो निशान कहीं पे भी दिख नहीं रहा है। हम लोग स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं लेकिन एक्चुअल जो टिकटॉक ऐप था वो पूरा यहाँ से गायब हो चुका है। उसके जगह पे कुछ डाउनलोडर्स वगैरह दिख रहे हैं, बट टिकटॉक जो मेन ऐप है पूरा यहाँ से निकल चुका है। ये देखिए पूरा सर्च रिजल्ट जो है हम लोग चेक कर रहे हैं, उसके जगह पे कुछ नए ऐप ने उसकी जगह ले ली है, ऐसा बोल सकते हैं। अभी भी नहीं बोल सकते, बट कुछ नए ऐप्स हम लोग को दिख रहे हैं। उसके बाद हम लोग एक कोशिश करते हैं कि दूसरे नाम से कुछ हम लोग टाइप करके देखते हैं कि वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ने टाइप किया लेकिन अभी भी ये पूरा ही निकल गया है, इसमें कोई भी ऐप अभी रिमेनिंग नहीं है। तो ये देखिए आपके सामने सर्च रिजल्ट है यहाँ पे ऐप स्टोर में, ऐप स्टोर से ये पूरा वाइप आउट हो चुका है। तो ये अपना जो इन्वेस्टिगेशन है, ये इन्वेस्टिगेशन हम लोग ने किया है यहाँ पे, तो टिकटॉक फाइनली यहाँ से पूरा वाइप आउट हो चुका है। फिर हम लोग एक्चुअल टिकटॉक के ऐप पे जाएंगे। अभी यहाँ पे देखिए जो होम स्क्रीन है यहाँ पे क्या एरर दिख रहा है, बाद में वो डिस्कवर वाला जो स्क्रीन है यहाँ पे क्या दिख रहा है, बाद में ये जो ऐड करने का जो स्क्रीन था वहाँ पे क्या दिख रहा है, एंड फाइनल इनबॉक्स, इनबॉक्स में भी क्या एरर आए वो देख लीजिए यहाँ पे आप। यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो है इंडिया का जो अपना टैलेंटेड पब्लिक है या फिर जो भी अपने दोस्त लोग जो थे टिकटॉक पे काफ़ी एक्टिव थे और काफ़ी फेमस भी थे, तो उन लोग के लिए ये सबसे सैड न्यूज़ रह सकता है। बट उन लोग को दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ इंडिया में अभी बहुत सारा पोटेंशियल है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारे हैं, एंड उन लोग के लिए बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है वहाँ पे वो उभर के आ सकते हैं। तो टैलेंट है तो कोई डरने की बात नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट अपने सपोर्ट के लिए अवेलेबल है। सो हम लोग इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा ले ले और उभर के फिर से एक बार आप दिखाए इंडिया को कि टैलेंट कितना है अपने पास। सो बेस्ट ऑफ लक गाइस।